कौन होते हैं जंगम बाबा, कैसे हुई इनकी उत्पत्ति, क्यों गाते हैं ये शिव की गाथा। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव की गाथा गाकर घर घर सुनाने वाले जंगम बाबा के बारे में। सावन का महीना हो या फिर शिवरात्रि, इन्हें शिव महिमा का गुणगान करते आप उत्तरी भारत में देख सकते हैं। लेकिन ये कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने इन्हें अपनी जांघ से उत्पन्न किया और इसी कारण इन्हें जंगम के नाम से जाना जाता है। ये योगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं और दान से ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी पहचान बहुत ही आसान है। अगर आप कहीं भी गेरुआ लुंगी कुर्ते पहने, सिर पर दशनामी पगड़ी और उस पर तांबे पीतल के बने गुलदान में मोर पंखों का गुच्छा लगाए और हाथ में एक विशेष आकार की घंटी जिसे टल्ली कहते हैं पकड़े हुए साधु को देखें तो समझ जाएं कि ये जंगम ही है। ये घरों दुकानों के आगे खड़े होकर टल्ली बजाते हुए अनोखा शिव भजन गाने लगते हैं। इनके भजन में शिव विवाह कथा, कलयुग की कथा और शिव पुराण तक शामिल होता है। सबसे खास बात है कि ये योगी कभी भी हाथ फैलाकर दान नहीं मांगते। इन्हें जब भी कोई दान देता है तो ये अपने हाथ में पकड़ी टल्ली को उलटकर उसमें दान स्वीकार करते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये योगी टल्ली में दान इसलिए लेते हैं कि इन्हें भगवान शिव का आदेश मिला था कि ये माया को कभी हाथ में ना ले। यही वजह है कि ये दान टल्ली में लेते हैं।